कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो ये जो वर्ड है ना, एक्सक्यूज बनाने वाला, पता नहीं कितना गंदा वर्ड है ना। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, प्लीज देखो कम से कम, देखो दूसरे के बारे में तो किसी को कुछ उतना ज्यादा पता रहता नहीं है, कम से कम खुद को जानते हो कि नहीं जानते हो कि हाँ आपका क्या लेवल है, नहीं है क्या, कैसे नहीं है। देखो अब ऐसा नहीं कि हाँ हम लोग का ट्रेंड क्या चलता है पता है, कि सामने वाला ना कोई और, अगर आपके आपका जो कंपटीटर है ना वो 1 घंटा पढ़ाई करता है ना, तो आप सोचो तो 1 घंटे पढ़ता तो 7 दिन घूमते ही रहता है ना, फिर भी उसका सारा रिजल्ट है, मेरा क्यों नहीं आता भाई? तो आप उसको देखते देखते एकदम कर लगता है। कोई अगर 10 घंटा करता है ना, तो 10 घंटा करता है, ओ माई गॉड हमसे तो 2 ही घंटा होता है एकदम पूरा। कोई 5 घंटा करता है, कोई 8 घंटा करता है, 10 घंटा, सब अलग अलग तरह का सब कुछ एकदम रहता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि आपका जो लेवल होगा ना, क्या कैसे नहीं है, वो आप अपना, एक्सक्यूज मी एक कॉल आ रहा है, मैं करता हूँ इसको साइलेंट, कहाँ गया? हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ तो क्या था ना एक्चुअली, कि हाँ टॉपिक से भटक गए थे, कोई बात नहीं। देखो तो हम ना, देखो अपना क्षमता एकदम आप अपना देखो कि ठीक है आपको क्या आता नहीं आता। हो सकता है सामने वाला एकदम बहुत ज्यादा पढ़ने में एकदम पूरा एक्सीलेंट हो, एकदम बहुत ज्यादा बोनाफाइड टाइप का, एकदम पढ़ा, एकदम सब काम उसका एक बार में बन जाता हो, है ना? आप उसको देख कर क्यों करते हो? देखो आपका कंपटीशन कई बार लोग करता है ना, जैसे एक ग्रुप में अगर 10 बच्चा है ना, ठीक है, उसको लगता है ना ठीक है कि हमको इसमें टॉप करना है, जहाँ पे वो पढ़ रहा होता है। सिंपल सा बात है, सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है अगर आप कहीं कहीं क्लब ग्रुप या फिर कहीं कोचिंग वाले ज्वाइन किए, हो सकता है वहाँ पे 50 बच्चा है, तो आपका कंपटीशन सिर्फ उसके बीच में रहता है। यही तो बात गलत है, इसलिए तो सिलेक्शन सबका नहीं होता है ना? आपका कंपटीशन जो है ना, ठीक है, आपका जो मतलब आपको किसको हराना पता है? खुद को एकदम। ठीक है, आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ एकदम होना चाहिए, ठीक है ना? तो सामने वाले को क्या आता है नहीं आता, उसका क्या है, उससे कभी कोई ये नहीं है ना? ऐसा नहीं कि हाँ सामने वाला कह रहा है ना पे आपका गया 40, तो ऐसे देख के मार्क्स डिमोटिवेट हो गए, भाई वैसा नहीं है। देखो सिंपल सा बात है, ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई बर्थ इसको आ गया होगा, ये भी सीखने के बाद ही आया होगा ना। देखो तो जब भी आप लोग मॉक वगैरह देते हो ना, ठीक है, नहीं देते हो तो दिया करो, ठीक है, मॉक के साथ साथ ना, और जो भी आपका वीक पॉइंट होता है ना, आप जैसे ही मॉक लगाते हो ना, आपको लगता है जो मेरा वीक पॉइंट है ना, ठीक है, और उसके ऊपर ना आप एकदम काम करो। जब तक काम नहीं करो तब तक आपका स्कोर एकदम बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। ये नहीं कि सामने वाला नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। आप अपना क्षमता देखो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है, आपको अगर रीजनिंग में डाउट हो रहा है, आपको अगर मैथ में डाउट हो रहा है, आपको इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना। ठीक है, आप अपना देखो, आपका खुद का जो कॉम्पिटिशन होना चाहिए ना, खुद के साथ होना चाहिए, खुद को हराने का जज्बा रखो एकदम पूरा, है ना? खुद को हराओ या खुद के ऊपर जीतो एकदम, है बोलो बात? तो एकदम आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रोज का एक्सक्यूज बनाने से आपका कहीं कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही अभी ये तो अप्रैल जो है ना खत्म ही होने वाला है ना, मई जून जुलाई, मई जून और अप्रोक्स जुलाई, अप्रोक्स 2.5 से 3 मंथ है आपके पास ना RRB के लिए, है ना? और पता है ना उसके बाद जब एग्जाम एकदम कंटिन्यू कंटिन्यू होना शुरू हो जाए, किसी का PT रहता है, किसी का मेंस, किसी का फॉर्म फिल होता है, उसके बाद आपके पास एकदम टाइम नहीं मिलेगा। अगर ये 2.5 3 महीना अच्छे से कर लिया ना, तो 100% आपका रिजल्ट जो है ना कहीं नहीं रुकेगा, सब एग्जाम में आएगा। यही 2.5 महीना कर लिया ना, तो 100% ये भी कह सकते हैं ना शायद ही आपका रिजल्ट कहीं आएगा, है ना? क्योंकि उसके बाद ना अभी एग्जाम देकर के, अरे वैसा एक तैयारी क्यों करना जब एग्जाम देकर के निकलने के बाद खुद को डाउट हो, साला 55 कर दिए, 60 करना चाहिए था, 51 का, उफ 49 से रहा, RRB का यही होता है ना, होते 54 रह गया, भाई डाउट क्यों करना? डाउट क्यों करना? आपको जब लगता है कि 55 60 कट ऑफ जा रहा है, आप 65 बना के आओ ना, ये करें, थोड़ा सा तो प्लान बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा तो टाइप का मेहनत करना पड़ेगा ना, सिंपल सा बात है। मेरा पूरा निचोड़ यही है ना इसका, कि आप इस तरह से पढ़ाई करो ना उसकी, आप जब भी एग्जाम दे करके निकलो ना, ठीक है ना, आपको ना अपने ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए साला एग्जाम क्रैक मेरे से होगा या नहीं होगा, है ना? क्योंकि आप जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम देकर के निकलोगे ना, आपको ये कॉन्फिडेंस एकदम होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बनाए नहीं या कॉन्फिडेंस हो जाए, उस लेवल से आप अभी से तैयार कर लो ना कि आप ना सीधा मेंस में, उसके बाद आपको भिड़ जाना एकदम, है ना, जीए वगैरह थोड़ा सा एकदम ताबड़तोड़ करके। ऐसा नहीं कि डाउट हो जाए, पता नहीं कट ऑफ क्या होगा नहीं होगा, 10 लोग से पूछते हैं, पता नहीं यार कट ऑफ कोई बोल दिया नहीं 50 से जाएगा तो एकदम फिट है, कोई बोल दिया 60, नहीं मेरा तो 56 ही है, मेरा तो 54 ही है, तो फिट नहीं होने वाला है।
तो इस तरह से अपने आप को तैयार करो, क्योंकि उसके बाद में एग्जाम्स लेने के बाद आपके ऊपर अपने को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर। इसको इस वीडियो को हर तरफ एकदम पूरा फैला दो ताकि इसका फायदा हर एक कोई उठा पाए।